नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसा इश्यू हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले 2019 के ज्यादातर कंपिटिशन एग्जाम के लिए हो सकता है कि क्वेश्चन का हिस्सा रहे। आज भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनडीए सरकार है या मोदी सरकार जिसे कह सकते हैं, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके अंदर भारतीय संविधान के कुछ बेसिक आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करने का फैसला है। देश के अंदर एक नया फैसला कैबिनेट ने लिया है। हालांकि ये कैबिनेट का डिसीजन है, आगे जाकर इसे पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा और फिर जाकर के देश में ये लागू हो पाएगा अमेंडमेंट के बाद फार्मूला। देश के अंदर जितनी भी जनरल कैटेगरी की कास्ट हैं, उन सभी को 10% आरक्षण देने का जो फैसला है वो भारत सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में आज किया है। अब मुद्दा ये है कि ये रिजर्वेशन कितना होगा, किन लोगों को दिया जाएगा, क्या बेस कास्ट का होगा, क्या इनकम का होगा, क्या प्रॉपर्टी का होगा, लैंड और हाउस का क्या बेस रहेगा और किन किन स्थितियों से गुजर कर ये कानून चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार कंपटीशन एग्जाम के रूप अंदर एक बर्निंग इश्यू के रूप में होते हैं और इस तरीके से हम इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे ताकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी हमें इसका फायदा हो और देश के अंदर एक अवेयरनेस वाला नागरिक होने के नाते हमें इन चीजों की जानकारी होनी भी चाहिए। तो आइए करते हैं शुरुआत आज की वीडियो के अंदर, इससे जुड़े हुए हर पहलू को जानेंगे क्योंकि दोस्तों यूपीएससी जैसे एग्जाम 2019 के अंदर जो आने वाले हैं वहां पर ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो या फिर दूसरे बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम हो टीचिंग लाइन के, वहां भी इनकी जरूरत होती है। चलो करते हैं शुरुआत। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये घंटी बजा लें ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और आपको जानकारी मिल जाए। देखते हैं, मोदी गवर्नमेंट अप्रूव्स 10% रिजर्वेशन फॉर पुअर इन जनरल कैटेगरी। दोस्तों, सरकार ने 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है जनरल कैटेगरी के अंदर गरीब लोगों को, इकोनॉमिकली पुअर को। देख सकते हैं आप लोग, चाहे राजस्थान के अंदर आंदोलन हो, चाहे हरियाणा के अंदर जाटों के आंदोलन हो, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में जनरल कैटेगरी की कास्ट समय समय पर आंदोलन करती रही हैं और वो मांगती रही हैं कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि आपको रिजर्वेशन क्यों, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के अंदर भी काफी सारे गरीब हैं और हर इंसान के अंदर से एक ही आवाज निकलती थी कि जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली बेस होना चाहिए और जब इकोनॉमिकली बेस बनाने की बात आई है तो जनरल कैटेगरी के अंदर भी सरकार ये फैसला लेने जा रही है। हम रिजर्वेशन के हक में और ना हक का कोई मुद्दा नहीं है, हम सिर्फ इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि अवेयरनेस होने के नाते हमें पता चले और एक कंपिटिशन एग्जाम के अंदर इसका हम फायदा उठा सकें। दूसरी, आगे देखते हैं, ए प्रपोजल फॉर 10% रिजर्वेशन फॉर दोज हु आर इकोनॉमिकली वीकर एंड फॉल इन द जनरल कैटेगरी वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टुडे। भारत सरकार की जो यूनियन कैबिनेट है, संघीय कैबिनेट है, उसने आज एक फैसला लिया है कि 10% रिजर्वेशन उन जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया जाए जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर हैं। फॉलोइंग द कैबिनेट अप्रूवल द गवर्नमेंट विल मूव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू ग्रांट दिस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर इन द जनरल कैटेगरी। और इसको पास करने के लिए, इस 10% रिजर्वेशन देने के लिए भारत सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टुडे अप्रूवल ए 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन। भारत सरकार ने या मोदी सरकार ने आज 10% रिजर्वेशन देने का जनरल कैटेगरी के अंदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड को गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशन के अंदर यह फैसला किया है। ए प्रपोजल फॉर 10% रिजर्वेशन फॉर दोज हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ये उन्हीं को होगा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे और वीकर एंड फॉल अंडर द जनरल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के अंदर आते हों, वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टुडे। इसे भारत की कैबिनेट ने आज पास किया है। फॉलोइंग द कैबिनेट अप्रूवल द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल नाउ मूव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू ग्रांट दिस 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर इन द जनरल कैटेगरी। आइए देखते हैं कुछ आगे। इन ऑर्डर टू डू सो, ऐसा करने के लिए द गवर्नमेंट विल अमेंड आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मायने रखेगा कि 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लोगों को देने के लिए भारत सरकार को कौन से आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ये दोनों ही आर्टिकल भारत के अंदर मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। आर्टिकल 15 में अगर देखते हैं, धर्म, जाति, लिंग, भाषा,
इनकी समानता का जिक्र है और आर्टिकल 16 में अवसर की समानता का जिक्र किया गया है, इक्वलिटी ऑफ द चांस का वर्णन है। और 15 और 16 के अंदर जब तक आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते आप ये रिजर्वेशन नहीं दे सकते। एक तो यो क्वेश्चन पेपर के निशाने पर होगा, पेपर सेटर के टारगेट पर होता है। दिस टू अमेंडमेंट विल प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ नॉट मोर देन 10% टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अमंग कास्ट डेट फॉल अंडर द जनरल कैटेगरी। दिस टू अमेंडमेंट्स, ये दोनों ही संशोधन जो है विल प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ नॉट मोर देन, ये दोनों ही रिजर्वेशन 10% से ज्यादा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को ज्यादा, इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे। दिस वुड बेनिफिट सेवरल अपर कास्ट अक्रॉस द कंट्री, ये पूरे भारत के अंदर कई सारी जातियों को इसका फायदा होगा। जितनी भी जातियां जनरल कैटेगरी के अंदर आती हैं उन सबको इसका फायदा होगा, बस वो इकोनॉमिकली वीकर कैंडिडेट उस कैटेगरी में होना चाहिए, नॉर्म पूरे होने चाहिए। व्हाट द डिसीजन इफेक्टिवली मींस दैट दोज हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड फॉल अंडर द जनरल कैटेगरी विल नाउ बी एबल टू एंजॉय बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडवांसेस दैट वाज नॉट अवेलेबल टू देम प्रीवियसली। इससे उन सभी जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को इसका फायदा होगा और वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर और एजुकेशन में इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, हालांकि इससे पहले उनको ये फायदा नहीं मिल पाता था। द 10% रिजर्वेशन विल बी अवेलेबल टू दोज हु मीट ए सर्टेन स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग, यह उन लोगों को होगा जो कुछ निश्चित स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करेंगे, देम एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो उन्हें ये बताएंगे कि दिखाएंगे कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। दिस क्वालिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय ए पर्सन एंड और देयर एनुअल इनकम, यह एक व्यक्ति के उसकी कितने उसके ऊपर किसका उस कितना उसका इनकम है, किसकी उसकी स्थिति है, इस चीज को शो करेगा। आइए देखते हैं कुछ चीजें। ए पर्सन विल बी क्वालिफाइड एज इकोनॉमिकली वीकर इफ, एक व्यक्ति जनरल कैटेगरी में होकर के इकोनॉमिकली वीकर होगा अगर उसके वो इन कंडीशनों को पूरा करता होगा। नंबर एक, देयर एनुअल इनकम इज बेलो RS 8 लाख, उनकी जो इनकम है सालाना वो 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। दे ओवन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ लेस देन 5 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर से कम उनकी एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए यानी उससे ज्यादा ना हो। दे ओवन होम स्मॉलर देन 1000 स्क्वेयर फीट, उनका अपना जो घर है वो 1000 स्क्वेयर फीट से कम होना चाहिए। दे ओवन रेजिडेंशियल प्लॉट्स बेलो 109 यार्ड इन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी, अगर वो म्यूनिसिपलिटी में रहते हैं तो उनका जो मकान है वो 109 यार्ड से कम होना चाहिए। दे ओवन रेजिडेंशियल प्लॉट बेलो 209 यार्ड इन नो नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी एरिया, और अगर वो नो नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी एरिया में है तो उनका मकान 209 यार्ड से कम होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं जो उन्होंने ये लगाई हैं कि इन कंडीशंस को अगर आप पूरा करते हैं या इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप कमजोर हैं देन आप लोग इकोनॉमिकली वीकर गिने जाएंगे जनरल कैटेगरी के आधार पर भी, और आपको 10% रिजर्वेशन का फायदा होगा एजुकेशन लाइन के अंदर भी और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी। उसके बाद इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर द गवर्नमेंट विल बी एबल टू गेट बिल्स अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट इन पार्लियामेंट, इस संविधान के संशोधन वाले बिल को सरकार को पार्लियामेंट में पास करवाना होगा। द बिल वुड नीड टू बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा, संविधान के इस बिल को, संशोधन के इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराना होगा। बोथ ऑफ विच हैव लार्जली बीन नॉन फंक्शनल ड्यूरिंग द ऑन गोइंग विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और हो सकता है कि सरकार इसे इस विंटर सेशन के अंदर ही नॉन फंक्शनल प्रोसेस के अंदर लाने की कोशिश करेगी। द मोदी कैबिनेट डिसीजन टू ग्रांट 10% रिजर्वेशन टू दोज हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्स मंथ अहेड ऑफ द क्रूशियल 2019 लोकसभा इलेक्शन वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी सीकिंग ए सेकंड टर्म इन ऑफिस, इसको सरकार चाहती है इस रिजर्वेशन के मुद्दे को 2019 के चुनाव के लिए भुनाया जाए जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल को शुरू करने की सपना देखते हैं, ये एक मुद्दा इसमें हो सकता है। रिसेंट विन बाय द प्राइमरी अपोजिशन पार्टी द कांग्रेस इन 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स हैव रेज्ड क्वेश्चन ओवर वेदर द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी विल ट्रूली बी इनविजिबल इन द अपकमिंग जनरल इलेक्शन, विपक्ष के अंदर जो
कांग्रेस पार्टी है जिसने हाल ही में तीन हार्टलैंड हिंदी हार्टलैंड के उत्तर भारत के राज्यों के अंदर चुनाव जीते हैं, वो इसको शक की नजर से जरूर देखेगी। दोस्तों अब इसके अंदर हम सिर्फ एक चीज देख सकते हैं कि ये मुद्दा ऐसा है जो देश के अंदर लगभग ज्यादातर लोग चाहते थे, और सरकार कोई भी पार्टी हो कोई भी सरकार हो अपने द्वारा किए गए हर काम को हर अपने द्वारा किए गए काम को कानून को अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाने की कोशिश जरूर करती है। अपोजिशन का भारत के अंदर नेगेटिव अपोजिशन हमेशा से रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी यही रही है कि सरकार के द्वारा किए गए अच्छे बुरे हर काम की आलोचना करे। तो ये भारत का एक नकारात्मक विपक्ष होता है। यहाँ राजनीतिक फायदा लोगों को होगा ही होगा, सारी पार्टियां उठाना चाहेंगी, लेकिन ये देश के लिए काफी हद तक एक नया फैसला होगा, और स्टूडेंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादातर रहेंगे। अब सरकार के पास यही ऑप्शन है कि वो इसे पार्लियामेंट से पास करवाए। अगर पार्लियामेंट से वो इसे पास करवाने कामयाब हो जाती है तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हो जाएगा, देश के अंदर आजादी के बाद जो एक बड़ा अमेंडमेंट आपको देखने को इस इन कानूनों में मिल सकता है। तो ये आपके लिए आज का बर्निंग इश्यू था। थैंक यू वेरी मच। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अगर यहाँ तक आई गए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी लिखकर बताएं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं सरकार के फैसले के बारे में ये कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी हमारे साथी और फॉलोवर दोस्तों के बारे में उनके विचारों का पता लग सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुभकामनाएं।